सब्जी बेचने में फायदा हो रहा है? नहीं नहीं हो रहा है ना। हम सब्जी में ही था, देख लोगों को लगता है देखने से कि सब्जी में बहुत ज्यादा फायदा। अरे भाई, तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसा है आप लोग? आई होप कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, सुबह में बहुत ज़्यादा बारिश आ रहा था। फ्रेंड्स देख सकते हैं हम अभी अपने दुकान पे। आज का दिन उतना अच्छा नहीं गया और कुछ हुआ भी नहीं शांति, इसीलिए हम दुकान को बढ़ाएंगे और चला रहे थे। तो देखिए अभी यहाँ का देखिए, मतलब कुछ शाम का नज़ारा ऐसा है। एक काका है जो सब्जी लेके आए थे दुकान के सामने सब्जी पूछने के लिए। सब्जी थोड़ा बहुत भी इनका बिक्री नहीं हुआ है ऐसे बस, और 9 बज गए अब घर चलने वाला है। तो फाइनली फ्रेंड्स, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि हम क्या करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम पान तामुल बेचते हैं, कोई ज़्यादा नहीं। अब फाइनली फ्रेंड्स, पता ना क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। फ्रेंड्स दुकान लिए हैं तो ना मालिक आ रहे हैं, उनको भाड़ा दे पा रहा हूँ। मालिक ये नहीं भाड़ा रखे, उनसे हमको प्रॉपर पूछना है कि आप लाइट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। अगर लाइट नहीं दीजिएगा तो बोल दीजिए, हम दूसरे काम में अपना जाएगा। अगर लाइट नहीं रहने से क्या करेगा? एक तो गर्मी में ऐसे मर रहा है, उसके बाद लाइट रहने से कुछ फैन लगाता, फ्रिज रखता, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा और इनकम बढ़ता। तो ये सब बातें होते रहते, पूछना पड़ेगा ना। एक तो नगर निगम वालों को देख लो, सबसे ज़्यादा बेवजापन, एक भी झाड़ू मारने वाला कोई नहीं है, लेकिन महीना का 100 रुपया आके लेके चले जाते हैं ज़बरदस्ती। बोलते हैं झाड़ू मारने का 100 रुपया कचड़ा फेंकने का। देखो कोई झाड़ू मारने वाला नहीं आ रहा 2-3 दिन से, अपने से झाड़ू मारना पड़ता है या नहीं तो छोड़ दो। लेकिन 100 रुपये महीना देते, इस टाइम उनको महीना नहीं देना है, इस टाइम हम नहीं दे रहे। बोलेंगे वीडियो बनाएगा नहीं तो कुछ करिए। ये क्या हुआ, 100 रुपये ले रहे हैं और झाड़ू भी नहीं मारा। तो फाइनली फ्रेंड्स देख सकते हैं दुकान में तो माल भरा नहीं। अगर मालिक बोलेगा कि नहीं छोड़ दो तो देखेंगे, ज़्यादा माल नहीं है, इसको ख़त्म कर देंगे एक महीने में बेच के। और जो बचेगा वो अपने सेकेंड वाले दुकान पे लेके चल रहे हैं। तो देखिए काका है यहाँ पे बेच रहे हैं, यहाँ पे ये क्या क्या लाए हैं, टमाटर लाए हैं, आदी लाए हैं, और वो एक तो जंगली साग है। ये तो बैंगन है, आप देख सकते हैं वो आधा है, और ये कच्चू है जो अपने बिहार में भी इसको जानते हैं। काका आज बिक्री नहीं हुआ? नहीं। कैसा मार्केट जा रहा है? एकदम खराब। सब्जी में अच्छा लग रहा है, इधर देखिए ना थोड़ा, सब्जी बेचने में फायदा हो रहा है? नहीं नहीं हो रहा है ना। हम सब्जी में ही था, देखो लोगों को लगता है देखने से कि सब्जी में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन प्रॉपर है नहीं। सीजन में ही फायदा होता है, अभी अभी मतलब जितना आप चाहते हैं फायदा होगा नहीं, लॉस का सौदा मतलब हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है, जो बड़े तौर पर किए हैं, जो बड़े तौर पर चला रहे हैं अपना बिजनेस, उनका लॉस का सौदा नहीं होगा, उनका थोड़ा बहुत ना प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए जो बड़ा बिजनेस होता है ना, थोड़ा बहुत लॉस भी जाने से वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों को मेंटेनेंस हो जाता है, और छोटा पार्ट में बस वही होता है, दिकदारी होता है। प्रॉपर तरीके से हमने सोचा कि दुकान खोल दूंगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से दुकान एक महीने नहीं, दूसरा महीना होने जा रहा है। दूसरे महीने भी प्रॉपर तरह से दुकान नहीं है। प्रॉपर तरह से मतलब कहने का मतलब है कि लाइट चाहिए हमको ना, लाइट रहेगा तभी तो फैन चलाएगा। 41 डिग्री यहाँ पर 40 डिग्री टेम्परेचर में ऐसे गर्मी में बैठ के कैसे दुकान चला लेंगे? एक तो ऐसा ही माथा पागल कर हो जाता है, और गर्मी ऊपर में टीन है दुकान के, और ज़्यादा गर्मी लगता है। तो हम क्या करें, दुकान को चलाऊँ या छोड़ दूँ? अभी प्रॉपर मालिक बोल भी नहीं रहे हैं, फ़ोन करने पर तो भैया ही बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि लाइट देने वाला है, लाइट दे देंगे, लेकिन लाइट मिल नहीं रहा, लाइट के लेके ज़्यादा प्रॉब्लम। हम मान के चले इमरजेंसी लाइट जलाता है, इमरजेंसी लाइट से कितना दिन दुकानदारी। काका भी यहाँ बैठे हैं, कोई मतलब ज़्यादा बाजार भी शांत है, देख सकते हैं ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ नहीं है। तो अभी तो वहाँ पे जाएंगे, कितना टाइम लगेगा आने में? 10-15 मिनट। तो 10-15 मिनट में आ जाइएगा, नहीं तो अब हम बंद करके निकलेंगे। ठीक है, 8 बज गया, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, आइएगा नहीं तो छोड़ के मत चला जाइएगा। आधा घंटा रोकेंगे, ठीक है 8 बज रहा है, 8:30 बजे तक रोकेंगे, जल्दी आ जाइए। अगर नहीं आएंगे तो सब्जी कस के सब ले ले जाऊंगा घर पे, क्या करूंगा दूसरा। तो फ्रेंड्स ऐसा ही एक दिन बात हुआ है कि एक लड़का है यहाँ पे, एक थी वो 7 बजे करीब साइकिल लगा दिया और बोला ना कि हम जा रहे हैं थोड़ा कहीं खेलने के लिए, वो कोचिंग वोचिंग करता है खेल का, तो बोला कि साइकिल लगा दिया, बोला कि हम जा रहे हैं, आ जाएंगे 8 बजे। वो लड़का तो चला गया, जाने के बाद वो सारा 9 बज गया, आईबे नहीं किया, बाद में आया 9:30 बजे, बोला कि हम साइकिलें भूल गया। तो अब हमको टेंशन हो रहा था कि साइकिल को रखे कहाँ, तो जाइए कि जल्दी आइएगा। ठीक है, आप भी वैसा मत कीजिए, लाइट बंद कर दीजिए अपना ना, लाइट कहाँ जला रहे हैं, चार्ज करना पड़ेगा। हाँ वो जानते हैं, कोई आएगा तो 20 रुपये का 3 ठो दे रहे हैं। टमाटर 60, बैंगन 60,
आदि पौवा 30, कचू पौवा 20 बेच दो, इतना रेट लगा के बेचने से घाटा नहीं होगा हमको लगता है। उतना तो हम भी किए हैं, लेकिन अभी अभी का भी रेट जानता हूँ, अभी का रेट में कोई ज़्यादा दामी नहीं है। ज़्यादा वस्तु का दाम अभी के समय में आधा है, आधा के अलावा और कोई ज़्यादा वस्तु दाम का नहीं है। तो फाइनल फ्रेंड्स, काका वो जो बेच रहे थे वो अभी चले गए मेडिकल दवा वाला लाने के लिए, थोड़ा बहुत तबीयत खराब है, क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर वो बाजार लगाए ना सब्जी, यहाँ पर लगा दिए नाला के इधर, ठीक है। अगर जो नाला का उधर लग जाएगा, उधर कहीं भी फटाक दे, अभी एक ठो आएगा आदमी 20 रुपया नहीं तो 30 रुपया हाट को ले लेगा दुकान। जैसे मतलब आप जैसे दुकान लगाते हैं, क्या तो फुटपाथ तो लगा दिए, तो आप दीजिए हाट को, झाड़ू उड़ू मारने का सब कुछ करने ऐसे ले लेते हैं यहाँ पे आके। जब न तब उठा लेते रहो सर, मैं जोड़ बानू का निकला मिठाई। हाँ आज ज्यादा कुछ ना लेनी है, कल लियो तो तुम सूत गए रहो। पढ़े ना गई रहला तन्ने गोरे ता आ तू ना गईला पढ़ जी बा ना बीमार बोल बा। तर कहां बीमार भल बा, तू तो अच्छा बड़ो, कहां बीमार भल बा दिखाओ, पढ़ जाए कहां बीमार भल बा है जा बुखार लागल बा, पढ़ जाए खाती आ घूमे चल बा कहां बा। तो फाइनल फ्रेंड्स अभी घर पे पहुंच चुके हैं। वीडियो 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 लगे ये मेरे लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो तो चलो हो गई छुट्टी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।